बाबर इकतीस पे चार आउट करने के बाद फिर मैच बिल्कुल आखिरी ओवर में आ जाना कितनी डिसअपॉइंटमेंट है और आखिरी ओवर नवाज से जो कराने का जो है फैसला उसके बारे में थोड़ा सा देखें था। बिल्कुल आ, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइट मैच हुआ है और अर्ली ऑन जो बॉलर्स ने बॉलिंग किया पहले दस ओवर में आ, वो आउटस्टैंडिंग था ईजी नहीं था लेकिन मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए हार्दिक पांड्या और विराट कोहली को जिस तरह उन्होंने मैच फिनिश किया और मोमेंटम शिफ्ट किया इंडिया की तरफ से बेसिकली प्लान ये था कि अपने मेन बॉलर को लाना कि हमें वहाँ पे थोड़ा होने वहाँ पे हमें विकेट चाहिए थी क्योंकि वहाँ पे हमें क्योंकि पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी तो उस टाइम पे मुझे लगा कि अपने मेन बॉलर ला के आ, प्रेशर बिल्ड करना चाहिए लेकिन आ, वो हुआ नहीं ख्याल आ, मेरे ख्याल से जिस तरह मेरे ख्याल से जिस तरह विराट कोहली खेला और जो उसने क्लास शो करवाई क्लास तो है लेकिन उसने और मजीद अपनी क्लास शो करवाई है लेकिन मेरे ख्याल से नवाज़ ने भी Uh, देखें क्लोज मैच गया है और uh, मेरे ख्याल से लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा जी सर uh, बाबर इधर आखिरकार जब ऐसा मैच हम देखते हैं तो मामला आके अटकता है प्रेशर पे क्योंकि ये प्रेशर हैंडल करना और उससे बाहर निकलना यही बात होती है क्योंकि विराट ने वो जो प्रेशर हैंडल किया वो एक सीखने वाली बात होगी डेफिनेटली देखें पाकिस्तान इंडिया का हमेशा मैच जब होता तो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है और उसको आपने जितना ओवरकम कर सकते हैं आप करें और देखें इसलिए वो बड़ा प्लेयर है और उसने अपने आप पे अर्ली ऑन प्रेशर था लेकिन उसने ओवरकम किया और जिस तरह उसने बारी को अपनी बिल्ड किया है और पार्टनरशिप बिल्ड किया है मेरे ख्याल से मैच चेंज ही वहाँ से हुआ था जी बाबर विराट का तो बहुत सारे इनिंग्स आपने देखे होंगे तो इस इनिंग्स को अगर आपको रेट तो लगता है तो ही वॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ही वॉज़ एक्चुअली मेड द डिफरेंस इसलिए तो, तो मैच जीत गए वो इसलिए <laughs> पूछ रहा हूँ जो विराट को इतने सारे इनिंग्स आपने देखे होंगे तो इस इनिंग्स को कैसे रेट करेंगे आप और क्या बोलेंगे इस इनिंग्स के बारे देखे में काफ़ी कुछ आ, देखें स्ट्रगल कर रहे थे मेरे ख्याल से जितना वो कम बैक आए और इतनी बड़ी इनिंग्स लगाने से उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बड़ा होगा और Uh, जब भी आप ऐसे मैचेस जिताते हैं तो आपको इंडिविजुअल भी काफी कॉन्फिडेंस मिलता है और आपका जो मेंटल uh, लेवल है ज्यादा ऊपर जाता है जी मारिया इंफजान बाबर पहला मैच आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार गया पूरे वर्ल्ड कप आगे मैचेस के लिए आप कितने ज्यादा पाकिस्तान टीम होगी हाँ देखें कॉन्फिडेंट है और देखें इसे सीखेंगे कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं कुछ मिस्टेक्स भी हुई हैं इस पर बैठ के बात करेंगे और अभी स्टार्ट हुआ टूर्नामेंट अभी काफ़ी टूर्नामेंट टोना, बाकी है तो जितना जल्दी हम इसको भूलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है क्योंकि आगे बैक टू बैक मैचेज़ हैं तो उसके लिए हम प्रिपेयर होंगे बाबर असल नॉट अ गुड स्टार्ट और कॉन्फिडेंट तो आप बट अगर इस मैच की बात करें आखिर के तीन चार ओवर तक क्या लग रहा था कि uh, मैच हमारे हाथ में तो uh, उस वक्त आपकी बॉलर से क्या बात हो रही थी थोड़ा सा उस हवाले से बताया और कितने डिसअपॉइंट हुए कि हमारी जो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइन है वो डिफेंड ना कर सके आखिरी तीन ओवर में फोर्टीट परसेंट देखें जब आप क्लोज मैच आते हैं तो दुख होता है और बात यही चल रही थी कि अपना बेस्ट दें और सिचुएशन के हिसाब से क्योंकि वहाँ पर हमें विकेट चाहिए थी और जिस तरह वो खेलें बॉलर्स ने पूरी एफर्ट की है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वैसा एग्जीक्यूट नहीं कर पाए एंड के ओवर में और जहाँ पे हमें विकटें चाहिए थी वहाँ पे हमें मिले नहीं लेकिन फिर क्रेडिट दूंगा उनके बैट्समैनों को जिन्होंने इस तरह फिनिश किया Being shirted in a Sab. Babar, so much has been spoken about uh, Virat Kohli, but how important was Hardik Pandya? Because even in Asia Cup, in the first match, he scored uh, the winning... Uh, he played a very crucial lock against Pakistan. So, a word on uh, Hardik Pandya and his uh, performances. Definitely, the way uh, he's playing, uh, he's building a partnership against uh, with the, uh, Virat Kohli. There is uh, that, that vital innings, uh, because then we is coming and he, bit, he take a little bit time, and then... वहाँ uh, so uh, well. uh, uh, पर बहुत क्लोज मैच हुआ और एक चीज़ तो हमें बेहतर लगी कि मिडिल ऑर्डर पर बात कोई नहीं करेगा चूँकि मिडिल ऑर्डर ने ही दोनों तरफ से स्कोर किया है लेकिन नवाज पे आखिरी ओवर पर ट्रस्ट करना जिसको आप रेगुलरली बहुत सारे मैचों में साइड करते रहें तो क्या ये फैसला सही था અ દેખે મેને પહેલે ભી બોલા થા કે હમ ઇસલિયે અપને મેન બોલર કો લાયે કે હમ થોડા સા ચાહ રહે થે કે વિકેટ મેલે વો અનફોર્ચ્યુનેટલી મિલે નહીં લેકિન ઇન ધ એન્ડ જો લાસ્ટ અવર ભી દેખ લે ટાઈટ આખરી ઓવર આખરી આખરી બોલ પે ગયા ઓર મેરે ખ્યાલ સે ઉસકો ભી ક્રેડિટ દેના ચાહીએ કે ઇતના પ્રેશર ઓર ઇતના हाई इंटेंसिटी वाला जो उसने आवर किया इजी नहीं होता और एज अ प्लेयर आप पे बहुत प्रेशर आता है तो जितना उसने किया मेरे ख्याल से मिस्टेक होती है लेकिन उससे जितना इससे उसको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब भी वो आएगा वो उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा नवाज को तो पहले आप ला नहीं सकते नाउ यू हैव एक्सप्लेन दैट यू नो टू क्रिएट प्रेशर आपने उसको बुलाया बट आर यू रियली अपसेट विद द टू मेन बोलर्स शहीन एंड नसीम आ देखें पहले कोशिश यही थी कि हम इसको करवा सकते थे लेकिन मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा ये चाह रहे थे कि मैच और डीप चल जाता तो अगर उस आवर में अगर वहीं पे स्पिनर को क्योंकि वो चार्ज करना शुरू हो गए थे तो मुझे लगा कि हमें वहाँ पे विकटें चाहिए तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा सेंसिबल खेले क्योंकि उनको पता था एक आवर हम आ, आ, स्पिनर का है हमारे पास तो मेरे ख्याल से देखें उसमें भी देख लें आ, एक मेरे ख्याल से वो उससे नो बॉल हो गया और उसके बाद जो वाइट हुआ और थोड़े से दुखे हुए इसमें आ, देखें आखिरी आवर में आपको और दूसरी ओपोनेंट यही करती है कि आपने जाना ही जाना है और पे आप चांस लेते लेते हैं तो उसमें आप सेक्स सेक्स भी मिलती है और आप उस पर आप नहीं भी कर पाते लेकिन इससे मेरे ख्याल से वो जितना सीखेगा और एज अ टीम हम इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे शाहन के ऊपर आपको नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है आ, इतनी देर बाद आया और, और फिर इंजरी के बाद आया और आप जिस तरह उसने बॉलिंग की है आ, का, मैं काफ़ी सरप्राइज़ था और इतनी देर बाद आके उसने जिस तरह आप बनाया शो करवाया और जिस तरह उसने, उसने बॉलिंग की हाँ उसको विकटें नहीं मिली आ, लेकिन देर बाद जब भी आते हैं तो आप वैसा नहीं आ, आ, कर पाते जैसे आप करते आ रहे थे थोड़ा सा टाइम लगता